पर्यावरण संरक्षण के लिए गहलोत सरकार ला रहे हैं नई नीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भी है कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है यह हम सब के लिए एक चुनौती है, इसके समाधान के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसलिए सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पर्यावरण नीति को अपनाना चाहती है। विकास की अविवेकपूर्ण दौड़ में दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हुआ है जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसे गंभीर चुनौती मानते हुए हमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। पर्यावरण सुधार के साथ साथ राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस ओर भी प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। कम खर्च में ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं। हनुमानगढ़ में पर्यावरण को बचाने के लिए मानव उत्थान सेवा समिति लगातार कार्य पौधे लगाकर कर रही है। साथ ही पंजाबी महासभा ने भी 8,500 फलदार पौधे श्री गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती वर्ष के उपरांत लोगों को प्रसाद के रूप में बांटकर एक अच्छा संदेश देने का कार्य भी किया है। अगर हम सोच रहे हैं कि सरकारी सिस्टम से पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है तो यह हमारी भूल ही होगी, क्योंकि सरकारी सिस्टम नए पौधे लगाकर उसे पेड़ बनाना तो दूर की बात है। जो पेड़ लगे हुए हैं वह अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, उन्हें भी रोक पाने में असफल होता जा रहा है। पर्यावरण ठीक नहीं है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। मानव शरीर को क्या जाने कितनी बीमारियों ने आ घेरा है, बीमारी की दवाई तक नहीं बन पा रही है। जलवायु परिवर्तन से तापमान भी बढ़ता जा रहा है जिससे मानव के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु फसलों इत्यादि सब को जो है विपदा खाने लग गई है। आधुनिक युग में विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, नया पौधारोपण नाम मात्र रह गया है जिससे चारों ओर प्रदूषण ने चादर बिछा ली है। सांस लेना भी मानव का मुश्किल होता जा रहा है। इसी कारण पक्षी भी कम संख्या में दिखने लग गए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी में अवेयरनेस लाकर सभी लोगों को पौधे लगाने में आगे आना होगा। जो संस्थाएं पौधे लगाने का कार्य कर रही हैं उन्हें भी हमें श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग देकर आगे आना चाहिए ताकि वे संस्थाएं संबल प्राप्त कर और अधिक पौधे लगाने में सक्षम हो सकेंगी। बात इच्छा शक्ति को जगाने की है, इसीलिए पर्यावरण प्रेमी यह कहते भी हैं कि इस जग में तू आया है बंदे, यूं ही चला जाएगा, लगाएगा अगर पौधे तो जीवन तेरा सुधर जाएगा, जीवन तेरा सुधर जाएगा। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।